यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज हमारे किचन में बनने वाला है मज़ेदार सा वाइट हॉट चॉकलेट। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। हमें चाहिए 20 ग्राम वाइट चॉकलेट, जिसे मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया है, 2 ग्लास दूध, वनीला एसेंस, 1 चम्मच चीनी। चॉकलेट को मैंने यहाँ पे कद्दूकश करके रख लिया है। कैंडी लैंड की चॉकलेट यूज़ की है यहाँ पे मैंने। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे सॉस पैन में मैंने 2 ग्लास दूध शामिल किया है। 2 ग्लास दूध के बाद अब हम शामिल करेंगे 1 चम्मच चीनी, वनीला एसेंस, यहाँ पर मैं सेक का यूज़ कर रही हूँ। एक ढक्कन भर के हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। वनीला एसेंस के बाद अब हम यहाँ पर वाइट चॉकलेट शामिल करेंगे। टोटल ये 20 ग्राम है, इसमें से मैं थोड़ी सी बचा ली थी, उसे हम बाद में गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और इसे लो फ्लेम पे बॉईल आने तक पकने देंगे। जैसे ही लो फ्लेम पे बॉईल आ जाएगा, हम इसकी आंच मीडियम कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि दूध अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। दस से 15 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ये हॉट चॉकलेट रेडी हो चुका है। ग्लासेस के एजेस को मैंने कद्दूकश हुई हुई वाइट चॉकलेट से ही डेकोरेट कर लिया था। इसके बाद वही कद्दूकश हुई हुई चॉकलेट हम इसमें ऐड करेंगे। देन अब बारी आती है वाइट हॉट चॉकलेट की, जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, अब हम वो पोर करेंगे। पोर करने के बाद मज़ीद कुछ कद्दूकश हुई हुई वाइट चॉकलेट ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास मिनी मार्शमेलोज हैं, ये ऐड करेंगे हम। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल जो मार्शमेलोज आती है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। ये चली गई मार्शमेलोज। यहाँ पे मेरे पास वाइट चॉकलेट चिप्स हैं, थोड़े से हम ये डालेंगे। आप इसको अपनी मनपसंद तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जो जो आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। ये चले गए वाइट चॉकलेट चिप्स। कुछ मज़ीद कद्दूकश हुई हुई वाइट चॉकलेट्स डालेंगे। देन हमारे पास ये कुछ वाइट स्प्रिंकल्स है, इससे डेकोरेट कर लेंगे। ये चले गए वाइट स्प्रिंकल्स। ये हमारा मज़ेदार सा वाइट हॉट चॉकलेट रेडी हो चुका है। ये देखिए मार्शमेलोज जो है वो मेल्ट होने लग गई है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका, ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और कोई फरमाइश हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।